लिफ्ट ले जान गो वहां तक ले का सर लिफ्ट लिफ्ट नहीं ले गए कहाँ 3200 कहाँ 3200 रुपया पैदल चल रहे। कोई बात नहीं, मजा करत जाबो जंगल पहाड़ के एंजॉय करत जाबो। ऐसी कोरी खरीद का लोग बाग मन सब है, कोनो कोनो तो नहावा थे, फोटो खिंचावा थे, सेल्फी लगावा थे। अच्छा हर्रा लागन फिटकिरी किसी तरीके कहा थे भूखाए दिन भर के भैया भूखाए रिवेत कानी का चरण घर आवाज थे। ये गुफा में जाना है नीचे, ओकर बाद वो कोलकी है तेन डाले बुलक के बाहर जाना है। कोरी खरीद का आदमी दिखा थे सब सनसेट देखे बारे संगवारी सबके कैमरा उमरा निकल गए। पीछू पीछू जात हूँ काबर शार्ट कट रदल गाइड मन जानते तो बिना गाइड करे हमला गाइड मिला थे। अब भटकबो जंगल में भटकबो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संगवारी हो जैसे पंचमढ़ी एंट्री करहु एंट्रीज में आप मतलब जटाशंकर लिखाए वाला बोर्ड दिख जही उही में ले अंदर खुसरना है। बिहनिया मैं शुरुआत करत हूँ जटाशंकर महाराज के दर्शन करे बार। एक बार आप मतलब ना ऑटो लगाए ना परमिशन ले लगाए ना टैक्सी लगाए ना जिप्सी लगाए ना बाइक लगाए ना स्कूटी लगाए, आप अपने पैर में धीरे धीरे पैदल पैदल मॉर्निंग वॉक टाइप से नहा धो के निकल जाऊँ। मैं बिहनिया 8 बजे नहा धो निकल गया हूँ, अब जात हूँ दर्शन करत हूँ। ओकर बाद फिर दिन के शुरुआत करत हूँ पंचमढ़ी सीरीज स्टार्ट करत हूँ। मंदिर देवाला में जाबे तो इसने मिलते संगवारी हो पान प्रसाद हो चाहे वो फोटो मूर्ति हो शंख हो चक्र गदा हो चाहे कहीं कुछ आइटम हो सिटी विटी खिलौना उलौना मन घलो बेचावत रहते। और मेन तो है भैया हो प्रसाद उरसाद मन आइटम मन लुभांग मन एक से एक है। ये देख सकत हो बहुत जबरदस्त टाइप से प्रसाद यहाँ दे चॉकलेट गोली मन घलो है बंधन वंदन मन घलो है। के रुपया लगाए ला चॉकलेट वाला सब दस दस। प्रथम दर्शन देख सकत हा संगवारी हो भगवान भोलेनाथ के जबरदस्त टाइप से ये मेरे मूर्ति स्थापित है। शिवलिंग घलो है, नंदी महाराज घलो है, तिरछूल घलो है। अच्छा हर्रा लागन फिटकिरी किसी तैसे टाइप है नी खांसी मासी काम आते मन सब आयुर्वेदिक टाइप से आया जंगल है तेकर से दिए डहर मिलते। जैसे जैसे आगे आज जाहू कहीं ना कहीं मंदिर देवाला मन आप मन दिखत जाहि तो सर्व कामना संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर है। यहाँ देखो थिलिंग वाला है पहाड़ है एकदम जबरदस्त टाइप से। जहाँ मेरे जाबे भोलेनाथ के दर्शन लबाबे ये मेरा एक ठन मिल गए। मैं तो चला जटा शंकर महाराज कहते रहे हूँ लेकिन हरज चे काबर की शंकर भी है और जटा है ही है। तो हाथी के सूढ़ के आकार में मेरे पहाड़ के में बने हुए हैं मूर्ति टाइप से देख सकता हूँ। ये मेरे नजर घलो मोलावा थे ये देखो रस के दवाई जड़ी बूटी मार रिथे नहीं संगवारी हो काबर की आयुर्वेदिक वाला है और जंगल पहाड़ मन में सब निकलते तो माला मुंदरी और प्रसाद ले ज्यादा ही मन सब मिलते दे देख सकत हो एक से एक चूरन उरन। देखो ये पहाड़ है और पहाड़ में गुफा है और गुफा में ही होती नीचे में विराजमान है हमारे जटा शंकर महाराज। तो ये देख सकत हो संगवारी हो कत का शानदार नजारा देखे पर मिला थे डहर आके सब दर्शन घलो करत जात है। और ये डहर प्रवेश है श्री जटा शंकर गुफा के यही मेरे लिए अंदर जावे तब दर्शन होते हो गए बाबा जटाशंकर के दर्शन संगवारी हो। ये पहाड़ है पहाड़ के अंदर है छोटे से रास्ता एकदम गुफा सन कन्हल नवा के एकदम जावे तब वो दर्शन करके अब आबे झुक के दर्शन करेल पड़ते। और वो डाले जाके ये डाले ऐसे निकल के वापस आवे और पूरा पानी चलत रही थे काबर की टप टप चूहत रही थे पानी लगातार चलत रही थे। वो मेरे जाके वीडियो तो नहीं बनाया काबर की संगवारी हो मंदिर दिवाला में जाना था बनाए के परमिशन नहीं रहा लिखा रही थे तेकर से मैं नहीं बनाया हूँ लेकिन दर्शन जबरदस्त करे हो जय बाबा जटाशंकर। तो आज है दूसरा दिन, पहला दिन के वीडियो नहीं देखे हो जाके पहले देखा ओकर बाद एला चालू करो संगवारी हो। दूसरिया दिन में हम जात हन जिहा जिहा परमिशन लेके जाए पड़ते चाहे वो जिप्सी जाना हो चाहे स्कूटी जाना हो तो ओकरो परमिशन ले पड़ते। तो का फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेते कहाँ कहाँ जाबो कहाँ परमिशन लगते तेन ला सब आप ला बताथन। और आज के दिन ला शुरुआत करथन कि एमा थोड़ा सस्ता पड़ते 400 रुपया के लेबे तेन दिन भर रगड़ के कुदाबे अपन हिसाब से पेट्रोल डलाबे। तो अभी मैं आ गया हूँ बाइसन लॉज करके जगह है यहाँ परमिशन के कटाए जाते भैया तो वहाँ जाथन के रुपया का परमिशन के लगते तेनोल बताथन। हर स्कूटी के परमिशन ले लगते तो जिप्सी और स्कूटी की परमिशन ले लगते आदमी मन के कोई परमिशन नहीं है तो ओकरे मन के पहली परमिशन लेथन संगवारी हो। मात्र 3200 रुपये में रहते नाव गाँव लिखते ओकर बाद नंबर ला लिखते ओकर बाद आप मन जा सकत हो। धूपगढ़ नहीं जा सकत हो बाकी परमिशन जिहाँ जिहाँ जाना रहते वहाँ आप मन जा सकत हो। धूपगढ़ ऐसे नहीं जा सको काबर की वहाँ स्कूटी परमिट नहीं रहा सिर्फ जिप्सी परमिट रहते जिप्सी ज़्यादा पैसा लगते 2500 2000 3000 पता नहीं भैया कत का है तेकर से थी हम कम में बम में जाते हैं 3200 रुपया में जाके छत्तीसगढ़ ले आए हैं। अपसी जिप्सी मन जात रही थी अगर आप मन रद्दा भुला जाऊँ तब वो जा सकता हो काबर की भैया घूमेच वाला जगह में जाही। बी फॉल लिखा है झरना है जबरदस्त टाइप से। अब ये डहर है ये डहर ले हम आए हैं यही डहर राजभवन है। राजभवन के जस्ट किनारे से ही बी फॉल पर झरना है। गाड़ी के हम आगू लेक बे थे मन घुसिया जाते यही डहर लगाओ ऐसे कि थे आगू जान नहीं जाए गाड़ी संगवारी हो यही मेले 2 किलोमीटर आगे जाना है तब भी बी फॉल लपाना है। हाँ भाई दे मन ज़्यादा पैसा दे रही थी मन अंदर तक जा सकते काबर जिप्सी में बैठे रही थे अभी कर मन के अलग परमिशन रहती है। हमारे मन के तो सस्ता वाला है तो सस्ता है तो पैदल घलो जाना है वो बेचारा लहूट के लगा ले भैया पार्किंग। और जिप्सी का चार्ज रही थी 3200 तो हमन 3200 रुपया मांगे लेगा का भैया वहाँ तक
नहीं लेके भैया मन कहाँ 3200 दे का है, 3200 वाला का दी मैं 3200 रुपया ले पर इसको संगवारी हो ये मन सब जाते 2 किलोमीटर मोर रेंगना है। लेखा का भैया लेघु का हाँ कोई रोल नहीं है कहा थे लेख जान भैया कोई नहीं जाना का एक बेर रह कर ले वो रोक लो भैया तुम्हारा नाम ले बो कोई नहीं लेगा यार इतना गाड़ी आज संगवारी हो मैं पैदल जाता हूँ वहां तक लेघु का सर लिफ्ट 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 ले जान गो नहीं ले गए कहाँ 3200 कहाँ 3200 रुपया पैदल चल रहे कोई बात नहीं मजा करत जाबो जंगल पहाड़ के एंजॉय करत जाबो और काबर भैया हो तुरंत चल देबो गाड़ी में बैठ के तो मजा काला पाबो मजा पाना है घूमना है घुमाना है बी फाल आप मल्ला दिखाना है काबर की कोई मंदिर दिवाला नो है कि यहाँ पर फोटो खींचना वीडियो बनाना मना है कह चली सके हम तो झरना दिखाबो पानी गिरत रही ठंडा ठंडा और हो थोकन लगाए दिमाग एक जन गाइड भैया आए रही से ओकरो अलग से चार्ज अलग थे अब वो हो मतलब लेक आए स्कॉर्पियो में अपन पर्सनल आए थे मतलब तो ऊपर मन से पीछू पीछू जात हूँ काबर शार्ट कट रद्दल गाइड मन जानते तो बिना गाइड करे हम लोग गाइड मिला थे और भटक बो जंगल में भटक बो ये देख सका था संगवारी हो सुनसान रास्ता है जंगल वाला रास्ता है इतना सुनसान टाइप से है नहीं और यही में ले जात हूँ काबर की जंगल के बीचों बीच छोटे से गली है यही गली फूटे है यही मेले जात हैं ठन छोटे से पानी दिखे चालू हो चुके हैं संगवारी हो ये देख सका था अदर कतका खतरा से खेलत खेलत जाए बर पड़ते पानी है तेनो डहर यहाँ दे कीचीर काचर चिखला लद्दी माटी पथरा बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कभी ट्रैकिंग एडवेंचर के लिए आओ बिहार अक्षरा विहार तो सब ही घूम के जाते हाँ 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 यहाँ पॉइंट से एक तो संगवारी हो यहाँ जिन झरना है अगर पानी है तेन बिस्लरी है वो तो बाटल फैल है कहाँ थे ये देख सका था झरझर झरझर आवा थे अब यही पानी ल पीबे तो एकदम जबरदस्त स्वाद रहते ठंडकता रहते क्योंकि अभी बताई हम लोग गाइड भैया है तो एक जबरदस्त फायदा घलो है तो हमार ऑलरेडी पानी बाटल धरे हैं तेकर खेती नहीं भरता लेकिन भर लेते खाली भी किता बाहर के पानी मोल की आवा नहीं तबियत खराब हो जी तो हाँ भैया इसे की भले बोल दे ते भैया हमारा तो नहीं लगत रहे हम तो आ गए भैया हो शार्ट कट ले आए तब हो गाड़ी पा गए संगवारी हो देख सकते हैं गाड़ी मन घूम घूम के पहाड़ ले आते हो हम शार्ट कट उतर के आए तब हो ये जिप्सी वाला भैया पा गए मेरे वीडियो बना रहे हैं तेने मनाए जबरदस्त नजारा देखे मिलते संगवारी हो धीरे धीरे नीचे नीचे जात हाँ तो ऊपर पहाड़ ला घलो देखा जात हाँ पेड़ पौधा मन घलो छाए हुए जबरदस्त नजर आए हुए शर्मा जी कहा दादा दे गाड़ी वाले मन जात रही ए ए ए ए जय जोहार एकदम किनारे में रोक दो कहाँ आ रही थो आपन रायपुर में यहाँ दे पहचान के मिल के भैया मोर वीडियो देखैया ये मन हा शर्मा जी की से और पूरा गाड़ी जात रही तब हो धन्यवाद भैया आप मन के लहुटाक ला दे ये मन लहुटाक ला ऐसे का आ तू मन भैया 3200 वाला में घूमा था और मैं 3200 रुपया पैदल लेकिन काहे मोर वीडियो बनाना रही थे ना देखा थे देखबे तेती जिप्सी जिप्सी है संगवारी हो ये देख सकत हो ये सब पार्किंग है जिप्सी के ओकर बाद हमला वाटरफॉल जाना है जेकर बार हम आए उसका दूरी 2 किलोमीटर ले रेंगत आप पहुंच गए संगवारी हो थोड़ा सांस फूलेल घलो लेवा थे और बने घलो लागत है जिप्सी उप्सी सब उमेर खड़ा करते अब एम एल ए तो जन जिप्सी 3200 दे के आए तेनो मन इतनी रेंगत आही काबर की जमीन में तो उतरे चले पड़ते भैया हवा में थोड़े उड़ाबो का निश्चय प्रेम प्रतीत थे विनय करे सम्मान ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान बजरंग बली महाराज के मंदिर घलो है अगरबत्ती धुआं गुंगवावा था वो डहर वाटरफॉल मतलब झरना में नहाए के बाद ए डहर आवे तो 10 रुपया लेते संगवारी हो बदल सकत हस कपड़ा उपड़ा ला और वो डहर वाशरूम वगैरह घलो है तो धीरे धीरे सब उतरत जात है चढ़त जात है हम अब पहुँचने वाला हन झरना का आवाज घलो सुनाई दे रहे है झरझर झरझर आवा थे लोग बागमन सब जो भैया मन जावा थे वैया मनावा थे गाइड भैया मन सब वो डर पेड़ के नीचे में बैठे रहते थे जाओ कि ढील देते पूरा टेन लाओ टेन मना के थी ये देख सका था पूरा अपन अपन डहर घूमत रही थी अपन हिसाब से फोटो उतू घलो खिंचावत रही थे ये हर छोटे बी फॉल एक बाद 400 मीटर आगे जाए पड़ते तब बड़े बी फॉल मिलते अतका बड़ झरना था हमारे छत्तीसगढ़ में कई ठन संगवारी हो ये नान नान दिखा थे लेकिन मेन बी फॉल अभी तक नहीं देखे ओला देखू तब आप बता पहुंच सका था जिन दिखा तेने छोटे बी फॉल है संगवारी हो खाए पिए तो चीज ज्यादा जंगल पहाड़ में रहे नहीं लेकिन हाँ चाय मिल जैसे चाय दिख जैसे सुकून मिलते डहर नींबू पानी घलो है और चाय घलो है कैसे लगा चाय भैया और ये नींबू नींबू 40 चाय 20 पीते रहो चाय और देते रहो राय पहुंच चुके हैं ना कोरी खरीद खा लोग बागमन सब है कोनो कोनो तो नहावा थे फोटो खिंचावा थे सेल्फी लगावा थे जबरदस्त वाटरफॉल बी फॉल वाटरफॉल और ये पंचमढ़ी के सबसे बड़े वाटरफॉल है और मैं देखा था अगर समय मिल पाही तो मैं जाकर वहाँ फोटो खिंचाऊँ नहीं नहाऊँ बहुत ऊपर ले पानी है गिरा था थे वो ऊपर ले हमारे रेंगत रेंगत आए हैं पूरा ये सीढ़ी से तो उतरे के बेरा ज़्यादा नहीं थके ना चढ़े के बेरा पता नहीं कत कत थकबो लेकिन हाँ उतर गए तो ये जन्नत ला हम देखेल पावत हन झरझर झरझर झरना का मजा हमला आवा थे आवाज़ आपो मला सुनावत हो छर 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 पानी है
एक बारे में बताना चाहो, बी फॉल ये नाम से बोले जाते हैं कि मधुमक्खी जन रिथे मछे होते ना चापथे पिराते नहीं वैसने टाइप से लगते नीचे नहावे था छर 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 गिरत रिथे पानी है था तेकर से तेल बी फॉल बोलते इसे करके मोला पता चली से एक जन बताइस था। आतंकवारी हो अभी 3:28 हो गया हूँ मैं फाइनली पहुँच गया हूँ काबर की 3:30 के बाद एंट्री बंद हो जाते अभी आखिरी एंट्री है अब महू एंट्री करूँ बाद में अंदर जाकर आप मतलब दिखाऊँ एला बोलते रिचगढ़ जिन हमारे दूसरा दिन के दूसरा पॉइंट है रिचगढ़ यहाँ गुफा है बहुत जबरदस्त है एकदम मजा आने वाला है तो अंदर ही खुशर्थन थके हारे रहे हूँ ना पिए ना खाए और सीधा मैं जल्दी जल्दी आया हूँ रिचगढ़ अंदर खुशर्थन भैया हो यू डर दिखाए पड़ते मन सब नाव गाँव लिखे और नाव गाँव एंट्री करे एक बात फिर होती जाना है ये है थोड़ा देर बाद ऐसे बंद हो जाते 3:30 के बाद फिर एंट्री नहीं देखे थे तो हम तो सही समय में आ गए 2 मिनट अगर लेट कर रही थे भैया तो अंदर नहीं खुश कर पाते बूढ़ा लोगन के भरमार है मतलब अवैया ज्यादा है जवैया कम है काबर हम थोड़ा लेट से आए हैं लेकिन जा आए हैं तो पूरा देखो दिखावो और कई जन के बिल्ला उल्ला लटके एक मतलब सब ग्रुप ग्रुप में आए ऐसे लगा थे तो चलथन संगवारी हो रिचगढ़ में का है गुफा में का है सुंदरता का है खूबसूरती उहुल देखथन हो यदि गाइड भैया मन सब समझावत रही थे जिन जिन लाए रही थे ओकर मन के अलग किराया रही थे तो हम तो किराया थे गाइड नहीं लाए हम इकरे सुना था धीरे से कम देखी सुना था सब देखा था ओकर बाद आप देखा था तो यही मेरे नीचे जाना रही थे संगवारी हो वो रिचगढ़ अंदर में एक तो नया दुनिया है कि थे जैसे हम फिल्म उलिम में देखते नीचे पहाड़ रही थे अंदर जाते थे दुनिया नील जल थे वैसे टाइप से ये मेरे नीचे जाना है अब देखते कौन से दुनिया है रिचगढ़ में अंदर उतर के पहाड़ के नीचे उतर के गुफा के अंदर खुसर के ये गुफा में जाना है नीचे ओकर बाद वो कोलकी है तेन डाले मुलक के बाहर जाना है ये 2 ठन पहाड़ है दोनों पहाड़ आपस में ऐसे टकराए है और पूरा 1 ठन गुफा बनाए है वो गुफा ले ऐसे ही यहाँ अंदर में आबे संगवारी हो तो हमला मिलते थो नया दुनिया इतना जबरदस्त ऐसे लगा जान मानो ये दिन के समय है ऊपर में बादल दिखा थे इतनी पेड़ पौधा दिखा थे और एकदम उजाला घलो है तो ऐसे लगा था कि भाई ये तो नॉर्मल जगह है लेकिन ये जगह नॉर्मल जगह नो है ये जगह स्पेशल जगह है जेकर नाम है रिचगढ़ और ये रिचगढ़ के अंदर में आवे तो लोगन मन तो आते जाते हो मजा लेके जाते जाते यहाँ ठंडकता ज्यादा है बढ़िया थोकन जाड़ लागे धर ले भैया फिर निकाल के पहनू जैकेट ठंड गुफा ये हरे संगवारी हो यही मेले मैं खुसरत जा था थोकन डरो लगा था अंधियार बनी है तेकर से थी और ये गुफा है जैसे निकलबे तो अंदर एक अलग दुनिया रही थे कि थे अब कौन से दुनिया है भैया अंधियारो लगा थे देख सकत हो इतना बड़े गुफा है और कोनो आदमी मन नहीं है लोगन तो बहुत रही से लेकिन अभी मतलब थोड़ा कन डर वानी लगा थे लेकिन धीरे धीरे डर के आगे किथे जी थे और ये भैया अरे सटकू थोड़े दादा ऐसे पातर दुबर आदमी बढ़िया निकल जाऊँ ऐसे है उम्मीद और ये देखो भैया गुफा के बाद ओढ़ रोशनी है और अंधियार के बाद उजाला थकले मुड़ी जहन लाग जाए यार निकल गया एकर नाम है राजेंद्र गिनी सनसेट पॉइंट मतलब सनसेट मतलब सूर्य देवता डूबते जब पहाड़ से जंगल में खाई में जब सूर्य देवता उतर जाते तो ऐसे लागते जाना मानो कहाँ गए गायब हो गए ऐसे टाइप से तो इला देखे बार लोगन मन आते और लगातार देख सकता था बहुत जोहर भीड़ है अब इधर खाए हुआ है घलो है भाई काबर की कहीं कुछ खावत रहो मैगी वैगी चाय वाय दबावत रहो और मस्त सनसेट के मतलब सेट हो जाते सूर्य देवता तेकर आनंद लल्ला होके गए तो यही मेरे मैं आया हूँ ये मोर आज के दिन के आखिरी वाला पॉइंट है यहाँ रानी बानी ड्रेस है पहन के फोटो उटू घरों खिंचवा सकत हस कोनो डहर जाबे तो कैसे टाइप से फोटो में दिखबे तेन देख सकत हो नूनी पीला बर ये दे बढ़िया पहन के बैठे है बाबू पीला है डंडा धर के खड़े है ऐसे टाइप से पूरा रिथे डहर किराया मिलते है अच्छा कैसे लगाया प्लेट के पैसा एक प्लेट बना दे और वो कैसे तैसने वाला है मक्के दी रोटी सरसों दा साग वो अलग है ऐसे का हाँ हाँ रोटी मिली है ना तो रोटी के साथ में चटनी वटनी अरे वाह दिल खुश हो जी खा के एक बार तो देख कहा थे भूखाए और दिन भर के भैया भूखाए रिवेत कांदी का चरण घर को आवाज थे लेकिन कोई बात नहीं स्पेशल चीज हमला खाना है मक्के दी रोटी काबर इतनी दाई मन बनावा बढ़िया भैया हाथे में बढ़िया पोथे ठाए ठाए ओकर बाद आगे का अंगरम सेकते तावा में लगा के जबरदस्त रोटी बनते आगे भैया मक्को दी रोटी और ये 3 प्रकार की चटनी है 3 ठन चटनी 1 ठन साग है और 1 ठन स्पेशल चीज काबर की पियत रहो चाय और लेवत रहो देवत रहो राय अरे हो राजेंद्र गिरी उद्यान यही मेले हम अंदर जाबो और सनसेट के नजारा ला पाबो का कोरी खरीद का आदमी दिखा थे सब सनसेट देखे बारे संगवारी हो सबके कैमरा उमरा निकल गए और सब एक जगह में आ गए हैं एक पॉइंट में और यही पॉइंट में खड़ा होकर सबके सब देखो और वो पहाड़ में उतरा थे देख सकता था एकदम छोटी दिखा चाटियत कबड़ जरा थोड़ा जूम करके देखा थोकन बड़े वाड़ी ये देख सकता था संगवारी हो धीरे से डूबत भैया हो ये नजारा देखे बार कोरी खरीद का आदमी मनाते और यह नजारा ला पाते काबर की सूरज देवता धीरे से अपन जगह में जावा थे काली बिहनिया फिर उगी पहाड़ में खुसरत जाते देखो आधा हो गए अब आधा ले पूरा डूबते जाते काली बिहनिया उगी अब सब जन ताली उली बजाओ निकलो भैया
घूम डरे भैया हो, आज के दूसरा दिन ला घलो बहुत जबरदस्त मजा इसे और सनसेट पॉइंट में ले महू हाँ। यही मेरे के आज के ब्लॉग ला खत्म करत हूँ। कैसे लगी इस कमेंट करके जरूर बताओ। मोर पहली वीडियो देखे रहे हो धन नहीं नहीं देखे हो तो जल्दी जाओ और देख के आओ। ये ला देख रहे हो बट बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अदुलाल बना के रखो भक्कम शेयर, ऊपर शेयर मारो। पल पल जियो, हर पल जियो।